हाय फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट और डिजाइनर रेसिपीज वाले हमारे यूट्यूब चैनल मील्स एंड गैजेट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम घर में ही हलवाई स्टाइल रबड़ी मिनटों में बनाएंगे। रबड़ी बहुत अच्छी मिठाई होती है और अगर गर्मियों में ठंडी ठंडी रबड़ी मिल जाए तो बच्चे और बड़े सभी खुश हो जाते हैं। वैसे रबड़ी बनाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन बस रबड़ी को बनाने में समय बहुत लगता है, इसलिए घर में रबड़ी बनाने का प्रोग्राम अक्सर कैंसिल हो जाता है। लेकिन आज हम मिनटों में पारंपरिक खुरचन वाली रबड़ी बनाने की बहुत सरल टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए हैं, तो चलिए रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए हमने 2 लीटर फुल क्रीम दूध मंगवाया है। अब सबसे पहले हम एक पैन को गैस पर रख देंगे और पूरा 2 लीटर दूध अब हम पैन में डाल देंगे। दूध को पैन में डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे। पूरी रबड़ी हम फुल फ्लेम पर ही बनाएंगे। इसके बाद हम एक बोल में 5 टीस्पून मिल्क पाउडर लेंगे और पैन में से थोड़ा सा दूध निकाल कर इस मिल्क पाउडर में डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमने पैन से दूध निकाल कर मिल्क पाउडर में डाल दिया है और अब हम इसे चलाकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना रहे हैं। अगर इस पेस्ट में हल्के फुल्के लम्स रह जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा रबड़ी बनाने में मिल्क पाउडर डालना पूरी तरह ऑप्शनल है। देखिए, अब दूध में उबाल आ रहा है। अब हम दूध में घोला हुआ पूरा मिल्क पाउडर डाल देंगे। देखिए, हमने दूध में घोला हुआ मिल्क पाउडर डाल दिया है। अब हम दूध को स्प्रेचुला से पैन की तली को खुरचते हुए चलाएंगे। हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक पाउडर दूध के साथ मिलकर एक सार ना हो जाए। अब हम दूध में 1 पिंच हल्दी डालेंगे ताकि रबड़ी में कलर अच्छा आ जाए। रबड़ी में कलर लाने के लिए हम फूड कलर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम पैन में 9 टीस्पून चीनी डालेंगे और चीनी डालकर इसे चला देंगे। मिल्क पाउडर डालने से रबड़ी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। इसे डालने से दूध गाढ़ा हो जाता है और इसमें बहुत जल्द मलाई आनी शुरू हो जाती है। देखिए, हमारे पैन के दूध में मलाई आनी शुरू हो चुकी है। दूध के ऊपर जो मलाई आ रही है उसे हम स्प्रेचुला से किनारे करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें लच्छेदार रबड़ी चाहिए। अगर हम दूध में मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे तो मलाई काफ़ी देर से आएगी और रबड़ी बनने में टाइम लगेगा। देखिए, दूध में कितनी अच्छी मलाई आ रही है। इस मलाई को हम पैन के किनारों पर लगाते जाएंगे। पकते पकते पैन का दूध कम होता जाएगा। हमें रबड़ी बनाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम पैन में एक ऐसी चीज डालने वाले हैं जिससे रबड़ी और थिक हो जाएगी। अब हम पैन में थोड़े से काजू और बादाम मिक्सी में क्रश करके डाल देंगे। इसे डालने से रबड़ी में क्रिस्पनेस आएगी, फ्लेवर आएगा और ये फटाफट गाढ़ी हो जाएगी। हम जब भी घर में सब्जी की ग्रेवी बनाते हैं तो ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए काजू बादाम का प्रयोग करते हैं, वही सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। देखिए, हम दूध को लगातार चला रहे हैं और दूध पर आने वाली मलाई को स्प्रेचुला से किनारे कर रहे हैं। अब दूध गाढ़ा होके बहुत कम रह गया है। दूध लगातार पक रहा है और गाढ़ा भी हो रहा है। हमारी रबड़ी पक पक कर बहुत टेस्टी बनने वाली है। पके हुए दूध की हम जितनी ज़्यादा मलाई किनारे लगाएंगे, हमें रबड़ी में लच्छे उतने ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सही समय पर हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल मील्स एंड गैजेट्स पर बहुत सी मिठाई जैसे कलाकंद, सोन पपड़ी, काजू के पान आदि के वीडियो पड़े हुए हैं। आप हमारे चैनल पेज पर जाएं और इन्हें देखकर लाभ उठाएं। अब हम पैन में 5 हरी इलायची कूट कर डाल देंगे। हमने पैन में हरी इलायची कूट कर डाल दी है। अब हम इसे चलाकर मिला देंगे। इसे चलाकर मिलाने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए, गैस बंद करने पर रबड़ी की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। पैन का दूध अब काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। हमें बिल्कुल सूखी हुई रबड़ी नहीं चाहिए। रबड़ी में दूध का गीलापन होना बहुत ज़रूरी है, तभी रबड़ी में सही स्वाद आता है। ठंडा होके दूध को सूख जाएगा। 4-5 मिनट बाद हम स्प्रेचुला से पैन के किनारों पर जमा मलाई के लच्छे खुरच कर निकाल लेंगे और उसे दूध में डाल देंगे। देखिए, अब दूध बहुत जल्द सूख रहा है। मात्र 25 मिनट में 2 किलो दूध की ट्रेडिशनल हलवाई जैसी लच्छेदार रबड़ी अब बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए, रबड़ी में कितने शानदार लच्छे पड़े हैं। आमतौर से आपको बाजार की रबड़ी में इतने अच्छे लच्छे देखने को भी नहीं मिलेंगे। हमारी रबड़ी अब तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। हमने रबड़ी को बोल में निकाल लिया है और अब हम इस पर काजू पिस्ता बादाम की गार्निशिंग करेंगे। रबड़ी पर काजू पिस्ता बादाम की गार्निशिंग करने के बाद हमें इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखना है। हम रबड़ी को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और देखिए, 2 घंटे बाद हमारी कितनी गाढ़ी लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। जब आप इस घर में बनी रबड़ी को खाएंगे और इसके लच्छे आपके मुँह में आएंगे तो आप बाजार से रबड़ी लाना भूल जाएंगे।
क्योंकि हमने 2 किलो दूध की रबड़ी केवल 25 मिनट में बनाकर तैयार कर ली है, इसलिए बहुत जल्दी से आप भी इस रबड़ी को बनाएं और पूरे परिवार के साथ एंजॉय करें। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से इस लच्छेदार रबड़ी को घर में बनाएं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं आपको कैसी लगी। हमें आपके अमूल सुझाव और कमेंट्स का इंतजार रहता है। फ्रेंड्स, यदि आपको लच्छेदार रबड़ी बनाने की रेसिपी का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमारी अन्य स्वादिष्ट रेसिपीज के वीडियो के लिंक इस वीडियो के अंत में और आई बटन में पड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।